हेलो दोस्तों एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में मैं शब्बो खान स्वागत अभिनंदन आभार व्यक्त करती हूँ और आशा है मुझे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे जैसा कि नेक्स्ट मंथ अट्ठारह जून को यू नेट का एग्ज़ाम प्रस्तावित है हो सकता है इसकी आगे डेट बढ़ जाए लेकिन अभी अट्ठारह जून को ही मान के चलना है उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें धूमिल से संबंधित जो रचनाएँ रचना है मोछीराम उसको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे और धूमिल के से संबंधित जो जानकारियाँ हैं उनका जन्म है उनकी जो रचनाएँ हैं उसे भी हम देखेंगे इसके अलावा यू जी सी नेट को तो ध्यान में रखते के ये बनाई जा रही है वीडियो लेकिन इसके अलावा जैसे कि टी जी टी पी जी टी डी टी प्लस बी से संबंधित रचनाएं जहां पर भी एक दिवसीय जो एग्ज़ाम हैं और जहां हिंदी पूछी जा रही है वहां समान रूप से लाभकारी ये वीडियो होने वाली है तो इसे आप पूरा अंत तक देखें और ध्यान से सुने वीडियो को ध्यान से देखें उसको पढ़ते हुए जाएँ और जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उन्हें नोट अवश्य करते रहिए चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ जो भी हमारा मैटर है उसको देखेंगे और अच्छे से इसको अध्ययन करेंगे सुदामा पांडे धुमिल इनका जो उपनाम है इसे भी देखेंगे इनका जो उपनाम है हम्म ये सतहत्तर नहीं यहाँ पर ध्यान दे तेरा इसको ये छिहत्तर है इसको ध्यान दें आप ये मिसप्रिंट हो गया ये सिक्स कर लें इसको नाइनटीन सिक्स कल सुनना मुझे जो है वो नाइनटीन सेवेंटी सिक्स है और इस पर उन्नीस सौ उन्यासी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया है बहुत इम्पोर्टेंट रचना है बिल्कुल भी ना भूलें संसद से सड़क तक उन्नीस सौ बहत्तर प्रकाशन है इसका इसमें तीन रचनाएं संकलित मोचिराम नक्सलवाड़ी और अकाल दर्शन इसके अलावा इनके मरणोपरांत दो रचनाएं इनकी प्रकाशित संग्रह हैं ठीक रच... आ... है काव्य संग्रह हैं एक तो कल सुनना मुझे 1976 में इसका प्रकाशन और इस पर ही साहित्य अकादमी पुरस्कार उन इनको उन्नीस में दिया गया है इसके अलावा जो इसमें रचना है रोटी और संसद इसमें जो संकलित है वो है कौन सी है वो रोटी और संसद ठीक है इसके बाद जो थर्ड रचना इनकी है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उन्नीस सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उन्नीस चौरासी आप इन तीनों रचनाओं को याद रखें बिल्कुल भी ना भूलें और इनका रचनाकाल भी याद रखें आगे बढ़ते हैं धूमिल कहते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है क्या बोलते हैं धूमिल जी कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज बहुत महत्वपूर्ण इनका कोट है ये कोट ध्यान रखें ठीक है जो कथन इनका है इसको भी ध्यान रखें धूमिल जी क्या कहते हैं कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है काशीनाथ सिंह का जो कथन है कहते हैं कि धूमिल के आने तक आलोचना का मुंह जो था वो कहानी की ओर था क्या कहते हैं काशीनाथ सिंह कि धूमिल के आने तक आलोचना का मुंह जो था वो कहानी की ओर था लेकिन धूमिल के आने का आने के बाद जो आलोचना का मुंह जो हो गया है वो कविता की ओर हो गया है तो ये किसका कथन है ये काशीनाथ सिंह का है क्या कहते हैं कि धूमिल के आने से पहले आलोचना का मुंह जो था वो कहानी की ओर था और धूमिल के आने के बाद आलोचना का मुँह कहानी की कविता की ओर कर दिया है ठीक है धूमिल ने अब हम बढ़ते हैं अपनी रचना की तरफ और रचना हमारी कौन सी है ये मोचीराम ठीक है ये यहां पर लिखा नहीं है ये मोचीराम रचना है ठीक है मोचीराम इसको ध्यान रखें हम मोचीराम कविता पढ़ रहे हैं कौन सी कविता पढ़ रहे हैं हम मोचीराम कविता ठीक मोची है मोचीराम कविता हम पढ़ रहे हैं चलिए अब अध्ययन करते हैं मोची कविता को देखिए रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हँसते हुए बोला बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है तो यहाँ पर मैं आपको एक पहले तो इसका ओवर जो व्यू है इसका मैं बता देती हूँ मोची के पास दो व्यक्ति आते हैं दो व्यक्ति आते हैं मोची के पास एक व्यक्ति और दो व्यक्ति और जो व्यक्ति है दोनों ही व्यक्ति को ये बाबूजी कहकर संबोधित करता है पहला व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है आम व्यक्ति है पहला व्यक्ति कौन है आम व्यक्ति या जिसको हम श्रमिक भी बोल सकते हैं जिसको हम क्या बोल सकते हैं श्रमिक भी जिसको हम कह सकते हैं और दूसरा कौन है पूंजीपति पूंजीपति है दूसरा पूंजीपति है दूसरा दूसरा कौन सा है दूसरा है पूंजीपति ठीक है एक आम व्यक्ति है जिसमें जो मोचीराम है खुद को उस आम व्यक्ति के अंदर क्या करता है वो खुद को देखता है कि आम व्यक्ति है। जिसका जूता जो है वो कई जगह से फटा हुआ है लेकिन फिर भी वो श्रमिक आम व्यक्ति क्या करता है मोचीराम से अपना जूता बनवाने आता है मोचीराम उसको मना भी करने को सोचता है कि मैं इसे मना कर दूं लेकिन वो फिर उसे मना नहीं कर पाता है दूसरा व्यक्ति एक आता है वो उसे भी वो बाबूजी कहकर संबोधित करता है और वो किस वर्ग का होता है पूंजीपति वर्ग का होता है और वो किस तरीके से आता है रोबदार तरीके से आता है मोचीराम के पास और पैसे भी कम देकर जाता है रोब भी दिखाता है मोचीराम को तो इन दोनों से संबंधित जो कथन है जो कविता है मोचीराम कहता है या धूमिल कहते हैं तो अब इसको हम पढ़ेंगे क्या क्या कैसे कैसे ये इसमें बातें कही गई कैसे कविता ये आगे बढ़ती चलिए ये यहाँ तक हो गया जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है जैसा है जहाँ है कहीं है जहाँ कहीं है आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है जूते की नाप से बाहर नहीं है आजकल कोई भी आदमी फिर भी मुझे ख्याल रह ख्याल है रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टाँगे पड़ते हैं जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है बाबू जी सच कहूँ तो मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है मेरे लिए क्या है हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवयत बतलाते हैं सबकी अपनी अपनी शक्ल है अपनी अपनी शैली है मसलन एक जूता है जूता क्या है चक्तियों की थैली है चक्तियों की थैली मतलब जैसे मैंने आपको बताया वो जो आम जन है जो आम लोग है वो आम जनता है जो श्रमिक वर्ग जो है वो क्या है चक्तियों की थैली है जिसने कई बार उस जूते को बनवाया कई बार उसको बनवाया लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी के चलते वह उस उस जूते को ना फेंक कर नया ना खरीद कर है ना बार बार उसको ही क्या कर रहा है उसको ही बनवाया जा रहा है तो मोचीराम क्या कहते हैं जूता क्या चक्तियों की थैली है क्योंकि उस पर इतने इतने बार उस पर टाँके पड़ चुके हैं कि जैसे लगता है कि वह चक्तियों की थैली है इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है जैसे इंसान को जब चेचक हो जाते हैं उसके फेस पे चेचक निशान पड़ जाते हैं वैसे ही क्या है कि जूता इस तरीके से गठता है इस तरीके से गठा हुआ है जैसा लगता है कि जैसे उसको चेचक ने चुग लिया है जूते पर ऐसे इतने ही निशान धागों के पड़े हुए हैं आगे देखते हैं जिसे चेचक ने चुग लिया है उस पर उम्मीद को उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है लेकिन फिर भी उसको क्या है उम्मीद उसकी उम्मीद क्या है फिर भी कायम है आगे देखते हैं और खड़खड़ा रही है बाबूजी। इस पर पैसा क्यों फूकते हो मैं कहना चाहता हूँ मोचीराम कहना चाहता है कि बाबूजी इस पर पैसे क्यों फेंकते हो ये बेकार जूता हो चुका लेकिन फिर भी मोचीराम बोल नहीं पाता है मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है कैसे आदमी हो अपनी जाति पर थूकते हो मोचीराम क्या कर रहा है मोचीराम उस उस आर्थिक आर्थिक तंगी से जो व्यक्ति जूझ रहा है उसमें क्या देखता है वो खुद को देखता है कि आम जन जैसे मैं आम हूँ ये भी एक श्रमिक वर्ग है वो कैसे अपने ही वर्ग के लोग के आदमी को इस तरीके से बोल दे अपनी जाति पर थूकते हो आप यकीन करें उस समय मैं चक्तियों की जगह आंखें टाँगता हूँ देखो कितनी महत्वपूर्ण कितनी महत्वपूर्ण कि उस समय मैं चक्तियों की जगह आंखें टाँगता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ एक जूता और है जिस जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है बहुत हड़बड़ी में बहुत कौन पूंजीपति वर्ग भले ही उसे कोई काम ना हो लेकिन हड़बड़ी में बहुत है बहुत हड़बड़ी बहुत जल्दी है ना एक जूता और है जिसे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है शेर को ना वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है उसकी आंखों में लालच है हाथों में घड़ी है उसे जाना कहीं नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है वह कोई बनिया है या विसाती बनिया यहाँ किसी वर्ग को नहीं बोला गया है ना किसी वर्ग विशेष को यहाँ नहीं बताया गया बनिया यहाँ पर पूंजीपति वर्ग के आधार पर है ना किसी जाति धर्म को लेकर यहाँ नहीं बोला गया है यहाँ बनिया से यहाँ इनका संदर्भ ये है कि यहाँ पूंजीपति है ना पूंजी पूंजीपति वर्ग पर है ये पूंजीपति वर्ग को आधार बनाया गया है ना बनिया से यहाँ पर आधार मतलब है पूंजीपति वर्ग से वह कोई बनिया है या बिसाती है मगर रोब ऐसा है कि हिटलर का नाती है रोब किस तरह का है जैसा कि हिटलर का नाती हो है ना इसे इसे बांधो इसे बांधो उसे काटो हिया ठोको वहाँ पीटो घिसा दो ऐसा चमकाओ जूते को आईना बनाओ जू, 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 जूते को ऐसा कर दो जैसा कि बिल्कुल चमक जाए जो पूंजीपति वर्ग है वो इस तरीके से बोल रहा है कि इसे यहाँ बांधो वहाँ काटो यहाँ ठोको वहाँ पीटो ऐसा इसको ऐसा बिल्कुल चमका दो बिल्कुल जूते को आईना बना दो उफ़ बड़ी गर्मी है वो पूंजीपति वर्ग जो दूसरा बाबूजी है वो क्या क्या कहता है ऐसे रोब जमा के बोलता है कि जैसे उफ़ बड़ी गर्मी है रुमाल को रुमाल से हवा करता है मौसम के नाम पर बिसता है सड़क पर आतियाँ आतीयों जातियों को बानर की तरह घूरता है गरज या की घंटे भर खटवाता है मगर नाम नामा देते वक्त नामा या नामा से मतलब क्या है यहाँ पर नामा मतलब पैसे पैसे देते वक्त क्या करता है वो दस बार उससे करता है है ना नामा देते वक्त साफ नट जाता है शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है अचानक कर चिन्ह कर सड़क से उछलता है और पटरी पर पत चढ़ जाता है चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ जाती यहाँ ये जो पूरा इतना पहरा जो है यहाँ पर इस पूरे यहाँ पर इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक में इसके दो भाव निकलते हैं, है ना कि एक जो मार्क्स मार्क्सवादी कथन के आधार पर मार्क्सवाद जो बोलते हैं कि श्रमिक वर्ग पर इतना उसको ना प्रताड़ित करो इतना उसे ना दबाओ कि वो एकदम इतना दब दब के वो एकदम हावी हो जाए फिर है ना एक तो यहाँ पर मार्क्सवाद के आधार पर इसको एक कथन देखा जा सकता है एक दूसरा ये भी देखा जा सकता है कि वो क्या होता है उसकी कि अंगुली गड़ जाती है कि मौका पाकर उभरती हुई उभरती है और अंगुली में गड़ जाती है उसकी कील है ना दो भाव इसके यहाँ पर देखे जा सकते हैं एक मार्क्सवाद के आधार पर और एक वैसे उसके श्रमिक श्रमिक वर्ग को देखकर मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है मुझे हर वक्त यह ख़्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी भी है यहाँ क्या कहते हैं यहाँ यहाँ धूमिल जी कहते हैं कि वो जूते जूते यहाँ जूते और पेशे के बीच वो एक अदद इंसान भी है वो एक बाप भी है वो एक बेटा भी है एक पति भी है ना एक बाप भी है वो इस अपने पेशे के आधार पर पेशे पेशे से हटकर एक इंसान भी तो है है ना वो एक इंसान भी है जिस टाके जिस पर टाके पड़ते हैं जो जूते से झांकते हुए अंगुली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है और बाबूजी फिर वो कहता है कि मोचेराम फिर क्या कहते हैं और बाबूजी असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है है ना देखो धुमिल जी की वैसे तो ठीक है ना श्रमिक वर्ग पर इन्होंने श्रमिक वर्ग को लेकर अपनी रचनाएं की हैं है ना और पूंजीपति पूंजीपतियों पर प्रहार किया लेकिन इन्होंने स्त्री को लेकर ना बहुत अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है है ना ये इस तरीके से मेरे हिसाब से तो ये इस तरीके से इन शब्दों का चुनाव नहीं करना चाहिए ना वैसे पूंजीपतियों पर या श्रमिक वर्ग को लेकर इन्होंने अच्छा लिखा है आगे देखते हैं और यही वह जगह है जहाँ पर आदमी अपने पेशे से छूट कर भीड़ का टम तम, टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है मौसम सताता है अब आप इस बसंत को ही लो यह दिन को तांत की तरह तांता है पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुतले धूप में सीझने के लिए लटकाता है सच कहता हूँ उस समय रापी हुई मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है आँख कहीं जाती है हाथ कहीं जाता है मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है और या चौंकने की नहीं सोचने की बात है मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है जो जिंदगी को किताब से नापता है जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है वह बड़ी आसानी से कह जाता है कह सकता है कि यार तुम मोची नहीं शायर है असल में वह एक दिलचस्प गलत फ़हमी का शिकार है असल में वह एक दिलचस्प गलत फहमी का शिकार है जो वह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है सच्चाई सबसे होकर गुजरती है कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं जबकि मैं जानता हूं कि निकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है यहाँ चीख चीख या, या मोचीराम है ना चीख या मोचीराम की है ना इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं समझदार चुप यहाँ जैसे कि मध्यवर्ग जो लोग होते हैं ये इस चीज़ के यहाँ पर मध्यवर्ग को दिखाया गया है जो पेशेवर लोग होते हैं जो सरकारी नौकरियों में कार्य कर रहे होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं वो देखते हैं कि गलत हो रहा है लेकिन फिर भी ना बोलकर क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी नौकरी चली जाए है ना इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये धूमिल जी ने दिखाया गया है ना पेशेवर लोगों पर या सरकारी नौकरी जो करने वाले जो लोग हैं उस उन लोगों पर यहाँ पर प्रहार किया गया कि वो गलत देखते हुए भी क्या करते हैं चुप रह जाते हैं है ना और ये आपकी जो मुचिराम जो रच आ, कविता थी यहाँ पर हमारी पूर्ण होती है और आशा है मुझे आप इसे समझ गए होंगे बा, बाकी अगर अगर ना भी समझ समझे हों तो इसे एक बार वीडियो को देख लें और अच्छे से इसको पढ़ें ध्यान से सुने और जो महत्वपूर्ण हो इसे ज़रूर नोट कर लें आगे ताकि रिवाइज़ करने में ये आपके उपयोगी साबित होगा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा इसे और मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद